तो आज के जो रेविट की वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हम एक रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हम रोड को बनाते हैं और रेविट में कैसे उस रोड को डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या हमारे पास रोड के एलिमेंट होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि जब भी हम किसी की भी मॉडलिंग करते हैं, किसी की भी हम जो जब भी उसमें डिज़ाइन करते हैं, जब हम उसको बनाने जाते हैं थ्री डी में, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपीयरेंस बिल्कुल वैसा ही आए। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रेविट में हम कैसे एक रोड का अपीयरेंस ला सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बिल्डिंग्स को देखते हैं तो बिल्डिंग्स के आसपास जो रोड होते हैं, जैसे जैसे मैं आपको आगे बताते जाऊँगा वैसे वैसे आपको और क्लियरिफाई होता जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम उसमें एक रोड को डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमारा घर बना हो तो उसके बाहर कैसे रोड को डिज़ाइन करते हैं। तो आज के इस रेविट के न्यू एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, टोटल रोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हेलो व्यूअर्स, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी। और मैं जानता हूं आप सब अच्छे से सीख रहे होंगे रेविट सॉफ्टवेयर को, और आप इसको अच्छे से सीखते रहिए। और आपके कोई भी सजेशन हो रेविट रिलेटेड, कुछ भी क्यूरी हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर मैसेज करते हैं, कहीं भी आपकी कोई भी क्यूरी हो वो आप डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। तो जानते हैं कि कैसे हम इसमें रोड को बनाते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें हम कोई भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं और उसको किसी भी मटेरियल में हम चेंज कर सकते हैं। तो रोड बनाने के लिए हमको एक चाहिए, एक टाइप का फ्लोर चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे फोर्थ फ्लोर। तो रोड बनाने के लिए हमारी स्टेप वन है हमारी फ्लोर। तो ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे थे, तो इसके पास ही मैं आपको रोड बना के बताता हूँ। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया फ्लोर, और फ्लोर से मैं आपको बिल्कुल न्यू टाइप में बताता हूँ। फ्लोर में हम सबसे पहले यहाँ गए हमारे, आप यहाँ पर भूल जाइए कि जो भी मटेरियल आपके पास सेलेक्ट है आप कीजिए एडिट टाइप में। आप यहाँ से इस मटेरियल को कीजिए डुप्लीकेट और इसको नाम दीजिए कुछ भी, या तो आप रोड देना चाहिए, जैसे मैंने दिया हुआ है यहाँ पर रोड टू, तो मैं इसको रोड टू नाम दे देता हूँ। देन ओके, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ यहाँ से एडिट में। सबसे पहला मेरा काम है इस रोड का मटेरियल सेलेक्ट करना, इसका अपीयरेंस सेलेक्ट करना कि कैसा जो मेरा मटेरियल है वो अपीयर करेगा, कैसा मेरा मटेरियल दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये डैम प्रूफिंग का आया हुआ है। आप किस टाइप की रोड बनाना चाहते हैं, आप कंक्रीट की रोड बनाना चाहते हैं, आप जो बिटुमिनस रोड बनाना चाहते हैं, वैसा अगर अपीयरेंस आप पाना चाहते हो तो वैसे आप उसमें कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डैम प्रूफिंग किया हुआ है, या फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बिटुमिन, ये यहाँ पर ये रहा एसफाल्ट बिटुमिन। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यूज रेंडर अपीयरेंस को मैंने किया ऑन। आप जब भी मटेरियल सेलेक्ट करें यूज रेंडर अपीयरेंस को ऑन करें, और बाकी आप सब चीज़ यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपने क्या किया। तो यहाँ से मैंने एसफाल्ट सेलेक्ट किया, इसको देन किया अप्लाई, देन किया इसको ओके। अब यहाँ से ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कितनी थिकनेस की रोड चाहिए। तो जनरली मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर 6 इंच की थिकनेस की रोड। एक अच्छे फिटनेस के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच की थिकनेस की रोड लेके चल रहा हूँ। आप कितने भी ले सकते हैं, आप चाहे अगर आपको अगर पूरी रोड कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है वो अगर आपको सही से डिजाइन करनी है, तो आप बिल्कुल जो पर्टिकुलर लेयर होती है वैसे आप उसको शो कर सकते हैं, और सारे टाइप को एक एक करके बता सकते हैं कि कितना कितना मेरा एक एक लेयर है। जैसे सबसे पहले सबग्रेड आती है, उसके बाद हमारी बेस लेयर आती है। तो मैं यहाँ पर सीधा पेवमेंट की डिजाइन कर रहा हूँ। तो मैंने ये जो एसफाल्ट बिटुमिन इस स्ट्रक्चर लेयर को लिया है 4 इंच की, और ये मेम्ब्रेन जिसमें जाता है हमारा सैंड और सैंड आर, इसको मैंने एक एक इंच लिया है। तो टोटल करके मेरी जो इसकी थिकनेस है वो 6 इंच हो जाती है। देन मैंने इसको किया ओके। अब मैं यहाँ पर फ्लोर बनाता हूँ। तो मुझे फॉर सपोज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर करीब 35 फीट लंबी, और ये इसकी जो ले लेते हैं वो 10 फीट चौड़ी ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 35 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी मैंने ये रोड ली। तो यहाँ से मैं ओके किया, तो मैं अब 3D में जाके देखता हूँ कि मेरा ये क्या चीज़ जो है मेरी ये बन गई है। तो अच्छा, तो मैं देखता हूँ मेरी बिल्डिंग के सामने एक रोड का पेमेंट जो है वो मेरा बन चुका है। तो रोड के बेसिक एलिमेंट हम जानते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारी रोड जो होती है उसकी स्लेब होती है, वो 2-3 लेयर में वैसे एक्चुअली में हम क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ लेयर्स में सीखेंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हमारा जो डिवाइडर होता है बीच की, जो रोड की स्ट्रिप होती है वो होती है। उसके अलावा हमारी जो कर्व होती है, आपने देखा होगा कि जो येलो और वाइट या फिर ब्लैक या फिर वाइट की जो हमारी जो कर्व होती है उसको हम डिजाइन करते हैं रोड के साइड्स में। नेक्स्ट क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ कि अब मुझे इसके बीच में चाहिए इसका जो डिवाइडर है, इसका जो स्ट्रिप है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो एक एलिमेंट है डिवाइडर स्ट्रिप जो है वो मैं लाता हूँ ताकि एक डिवाइडर सा मेरे पास हो जाए। अब उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे चाहिए डिवाइडर यानी इसके बीच की रोड की स्ट्रिप। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर वॉल। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक थिकनेस में चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरी रोड स्ट्रिप में। तो यहाँ पर मैंने एक रोड स्ट्रिप सेलेक्ट कर रखी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक रोड स्ट्रिप करके एक बना रखा है इसी स्पेशल इस रोड स्ट्रिप के लिए। तो मैं इसके एडिट टाइप में देखता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट कर रखी है इसमें। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको एडिट। तो मैंने इसकी जो रोड स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो सेलेक्ट की हुई है 4 इंच। ओके, देन
मैं इसका मटेरियल देखता हूँ मैंने क्या मटेरियल लिया है। अब बेसिक जो बात है, अगर मेरा रोड का पेवमेंट ब्लैक है तो मुझे ये स्ट्रिप हमारी व्हाइट में ही चाहिए, तो मैंने एक रोड स्ट्रिप करके इसका जो मटेरियल है ये ले रखा है और इसको एक व्हाइट मटेरियल, यहाँ पर आप सर्च करेंगे व्हाइट पेंट के नाम से, तो व्हाइट पेंट के नाम से यहाँ पर एक आपको अच्छा सा मटेरियल बता देगा जिसमें आपको व्हाइट कलर का अपीयरेंस आएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। थिकनेस मैंने इसकी ले ली है 4 इंच, यानी 4 इंच मेरी ये जो रोड स्ट्रिप है ये होगी, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देन मैं इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने वॉल वापस से सेलेक्ट की और ये मेरी रोड स्ट्रिप यहाँ सेलेक्ट हुई, मैं इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको जो लेता हूँ वो लेता हूँ करीब 6 फीट के आसपास, या 6 फीट या बेसिक का सॉरी मुझे स्पेसिफिक पता नहीं है कि कितनी क्या डिस्टेंस वे लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ बेसिकली 6 फीट और इसी को आगे यही आगे 6 फीट की डिस्टेंस पर ही हम इसको आगे ले लेते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ कि एक मेरा जो 3D में है ये क्या बना है, अरे ये मेरा क्या बन गया। तो जब भी ऐसा कुछ भी हो तो बिल्कुल घबराए नहीं कि इतना लंबा बन गया, इतना ज्यादा बन गया, हम इसको पकड़ के, तो मैं जब भी मेरे को कुछ भी चीज एडिट करनी होगी या तो मैं प्लांट्स में जाऊंगा या फिर एलिवेशन में जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ एलिवेशन में, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी जो हाइट है, अब इसकी हाइट इसने तो ये तो सिंपल इस चीज को वॉल ही समझ रहा है, तो मैं इसकी हाइट देता हूँ मुझे बहुत ही कम चाहिए, यानी मेरी खाली रोड की जो पेमेंट है उससे कुछ थोड़ा ऊपर ही रहेगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ समथिंग 2 इंच ताकि मुझे अच्छा से दिख जाए। तो ये मेरा 2 इंच हो चुका है, जब मैं इसको 3D में देखता हूँ तो ये मेरा अच्छा इसमें अपीयरेंस के लिए ये मेरी जो रोड की स्टेप है। अच्छा देन मेरा ये काम हो गया, अब मुझे इसको आगे भी बनाना है, तो अब आप वापस से वॉल सेलेक्ट करेंगे, वापस से यहाँ पर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं, अब मैंने इसको किया, इसको सेलेक्ट प्रेस किया, कॉपी कमांड मैंने एंटर किया, यहां से मैंने इसको पकड़ा और इस एंड पर मैंने लाकर छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल सेम हमारी 6 फीट की डिस्टेंस, और मैं इसको मल्टीपल करता जाऊंगा तो ये आगे से आगे सेलेक्ट होता जाएगा। तो ये मेरा एक बेसिक सा रोड बन चुका है। अब आप और बड़ा बनाना चाहे तो आप इसको और बड़ा बना सकते हैं। कैसे, ग्राउंड में मैं गया बहुत ही स्पीडली, मैं आपको बताऊंगा। फ्लोर पर मैंने डबल क्लिक किया, फ्लोर को यहां से पकड़ा और ये मैंने इसको कर दिया थोड़ा और आगे कर दिया, राइट पे मैंने किया, यहाँ आया, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ से मैंने इसको किया प्रेस और इसको लगाकर छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो ये मेरा थोड़ा सा और आगे आ गया, ये मेरा रोड जो है वो थोड़ा सा और लंबा हो गया। ओके देन, अब ये हमारा थोड़ी सी अच्छी फीलिंग दे रही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें कुछ और मॉडिफाई करते हैं। अब हम इसमें बनाते कर्व, देखा होगा कि आपके जो साइड में जो येलो या फिर वाइट या ब्लैक जो कर्व लगी होती है उस कर्व को कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए, कर्व बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि या तो हम कर्व में सिंपल हम पत्थर रख सकते हैं या फिर कुछ अलग चीजें जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइड में एक चीज बना के बताता हूँ कि कर्व मीन में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले बना के बताता हूँ, मैंने वॉल सेलेक्ट की, वॉल को मैंने किया एडिट टाइप, इसको किया मैंने डुप्लीकेट और इसको नाम दे दिया मैंने KERB कर्व 22, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इसमें कर्व नाम से पहले ही बहुत सी बनी होती है, मैंने इसको नाम दे दिया कर्व 22, इसको किया मैंने एडिट और सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मेरा व्हाइट मटेरियल ही सेलेक्ट हुआ है, चलो मैं इसको मटेरियल में चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने किया मेरा क्रिएट न्यू मटेरियल, मेरा यहाँ से मैं क्रिएट न्यू मटेरियल करूंगा, इसको मैंने किया रीनेम और नाम दिया कर्ब 22, इसको मैंने नाम दिया कर्ब 22, ये कर्ब 22 मेरा नाम से, और मैं इसमें कुछ मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ लाइक और ये मैं इसको सेलेक्ट कर लिया ओपन या क्लोज बाउंड्री, यहाँ से मैं बहुत सी चीजें सेलेक्ट, तो यहाँ से मैं वाइट नाम का कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरा वाइट कुछ आ जाए, तो ये देखिए यहाँ पर आप बहुत से वाइट जो चीज़ है, तो यहाँ पर आप वॉल पेंट में जाएंगे तो वॉल पेंट में आपको कुछ भी वाइट टाइप का मटेरियल आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर सिंपल पेंट में भी जाएंगे तो वाइट आपको पेंट मिल जाएगा। और इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस इन एडिटर, तो यहाँ पर मेरा ये मटेरियल जो है सेलेक्ट है और मेरी जो कर्व 22 है ये आई थिंक हो चुकी है और ये वाइट मेरा मटेरियल जो है वो हो चुका है, इसको मैंने किया अप्लाई, इसको किया। अब मेरी बात आती है इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस मैं इसकी लूंगा
समथिंग 1 फीट के आसपास। अब मैं 1 फीट क्यों ले रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। समथिंग मैं इसके लूंगा 1 फीट के आसपास। ओके ओके चलिए। और यहां से मैं इसको, अब मैं इसको ऐसे, मैं इसको इस साइड में बनाऊंगा, क्योंकि कारण क्या है कि जब भी फॉर सपोज ये मेरी जो बोले, मैंने इसको ऐसे बना दी, अब मुझे क्या होगा, मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। जैसे मुझे उसको इस साइड से थोड़ा सा राउंड करना होगा, यानी 3D में मेरा ऐसा कर्व सा दिखेगा। तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट करके इसको इस साइड से मैं इसको ओपन कर दूंगा और इसको मॉडिफिकेशन कर दूंगा। आइए देखते हैं कैसे। तो मैंने इसको सबसे पहले, तो चलिए सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, न्यू ही हमारी डिजाइन करते हैं। ये मेरी वॉल, यहाँ से 1 फीट की तो मेरी थिकनेस है, और मैंने इसको लिया करीब 8 इंच या फिर अंदाजन 10 इंच के आसपास। ओके, और मैं इसको यहाँ पर ले आया बिल्कुल। अब मैं इसको कर देता हूँ एडिट प्रोफाइल मेरी वेस्ट से। तो अब ये जो है ये इतना बड़ा बन चुका है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसके को स्टैंड जो है वो ओपन किए, और मैं इसको पकड़ के लाया नीचे। मैं इसको पकड़ के लाया यहाँ पर नीचे, और इसके मैं हाइट भी कुछ रखता हूँ करीब 8 या 10 इंच के आसपास ही। ये 10 इंच के आसपास, सॉरी मैं इसको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसकी हाइट, इसकी हाइट हमारे पास करीब 1 फीट है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मुझे यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप में चाहिए था कि मेरी जो रोड की कर्व जो दिखती है वो इस कर्व शेप में हो। तो मैंने यहाँ से लिया आर्क, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें जो पिंक लाइन है वो सारी एडिटेबल होती है। इसको मिड पॉइंट से सेलेक्ट किया या इसके मिड पॉइंट पर लाया, और एक कर्व टाइप का हम कुछ इसमें बना देंगे। यस, अब मुझे इन दो चीजों को हटाना है। तो जैसा कि अगर आप ऑटोकैड के बारे में जानते हैं तो आपको ट्रिम कमांड के बारे में अच्छे से पता होगा। यहां पर आप आएंगे ट्रिम कमांड, या फिर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे TR इंटर, तो आपको जो कमांड है वो मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, इसको, इसमें जो ट्रिम कमांड है थोड़ा सा उल्टा काम करता है बजाय की ऑटोकैड। तो इस शेप की मैं कहना चाह रहा था कि हमारी कर्व जो होती है वो इस शेप की होती है। मैंने इसको किया राइट, मैं गया 3D में, और ये देखिए मेरी कर्व में कुछ इस टाइप की, आपको कर्व के बारे में कहना चाह रहा था कि इस टाइप की मेरी कुछ कर्व में होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके पास लगाऊंगा मेरी येलो, इस फिर इसके पास व्हाइट, फिर इसके पास येलो। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो उसके बारे में जानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसके पास लगा देता हूँ मेरी येलो, और उसको मैं उन दोनों को मैं फिर सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब आया मैं ग्राउंड में, तो आई थिंक आपको देखिए जो एलिवेशन है ये यहाँ से राउंडेड है, तो इसका जो टॉप व्यू है वो आपको दिखना चालू हो गया होगा। और वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 14 मिनट के आसपास हो चुकी है। मैं सोच रहा था इसको बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन चलिए लेंथ के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैंने वापस चले की वॉल अगेन, मैंने अब आइडिया तो आपको इसका समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई दूसरी जैसे मेरे पास पहले बनी हुई है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कर्व आपने कैसे बनाई। तो कर्व आई थिंक शायद कर्व 2 है मेरे पास, एंड मैंने इसका जो मटेरियल है वो आई थिंक क्या सेलेक्ट किया होगा, मैंने इसका जो मटेरियल है ये येलो सेलेक्ट किया है। ओके ओके ओके, और अब मैं इसमें बनाता हूँ मेरी वॉल, और इसकी भी मेरी जो वो है, और इसको मैं बिल्कुल रख दूंगा इसके पास में, और इसकी जो हाइट है वो मैं रख दूंगा करीब 8 इंच। मैंने उसकी हाइट लेते हो तो इसकी हाइट में रख दूंगा करीब 8 इंच के आसपास। एडिट मैंने किया इसको, इसको किया मैंने वेस्ट से एडिट, तो मैं सेम इसके जैसा ही इसको एडिट कर दूंगा। आर्क लिया मैंने मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट एंड या, और इसको किया मैंने ट्रिम, इसको पकड़ा इसके पास, इसको पकड़ा इसके पास, एंड या ओके। तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या बनाया है मेरा 3D में। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास बन गया है 3D में। आई थिंक ऐसी होती है जब भी आप रोड पर देखते हैं
अब इसको बड़ी ध्यान से देख, अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट करता चलूँगा ताकि ये हमारी अच्छे से बन जाए। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा ग्राउंड में, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लेस करके मैंने इसको सेलेक्ट किया तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। कॉपी कमांड यहाँ से लिया यहाँ पर, मेरे पास क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट है तो मैं आगे से आगे मेरा करता जाऊँगा। आई थिंक मैं एक मिनट देख लेता हूँ मेरा सही तो बन रहा है या नहीं। 3D में जाता हूँ मैं, सेव द प्रोजेक्ट। यस, तो मेरा कुछ ऐसा कुछ दिखेगा ये, तो ऐसा कुछ दिखेगा है मेरा। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पूरा। तो मैं देखता हूँ मेरा 3D में, तो मेरा ये कुछ इस टाइप का मेरा रोड बन गया है। इतनी तो इस टाइप का मेरा जो रोड है ये बन गया है। अब मैं ये इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक जो हमारा गार्डन होता है उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, एक प्रॉपर रोड ये हमने बना ही दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रोड के थोड़े कुछ और चीजों के बारे में बताऊंगा, वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है लेकिन थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बताऊंगा। घर के आगे यहाँ पर ग्रास वगैरह है, गार्डन है, वो कैसे उसको डिजाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बस यही था इस रेविट की वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं रोड बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये पूरी रेविट की सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और सिविल टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मैं हमेशा ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के इतना दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।